ओके टुडे इज आवर लास्ट टॉपिक कल आप गल कर रहे थे वी हैड स्टार्टेड टीम बिल्डिंग सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट टीम बिल्डिंग की होंगी है प्रोफेशनली देयर इज हार्डली अ बेटर वे फॉर कलीग्स टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग एंड गेट टू रियली नो ईच अदर दैट आउट वर्क एक्टिविटीज गेटिंग क्लोजर एंड फेमिलियर विद वन अनदर पर्सन इज द क्विकेस्ट पाथ नेचुरली वेन यू आर वर्किंग इन अ टीम जैसे सपोज को रहते हैं टीम NLCI If we are working together, building a team, now as we have discussed that upcoming seminar on Tuesday, naturally today I will be conducting a meeting of all the team members, giving you duties, tusi ki karna hai, because somebody from outside is coming, right? So team building, you get to know each other better, but never become bossy. Again, I laugh with you all, but thonu hasa denni hai, kadi nahi eho ja lagda ki haan, saadi senior ko dar da mahol na hove. So whenever you are building a team or whenever you are doing something, never become bossy. Always be very cooperative with your team. Jis tarah mera eh hunda hai, chahe mere students hon, chahe mere colleagues hon, jehde mere under bhi kam karde ne. I treat everybody as a kid. Tusi mere bachche. Why? Kyun? So that confidence build up hove. Right? Scary pan mehsoos na ki nahi, toh puchhan toh dar lagge. ठीक है इन्हों मैं फ्रेंडशिप ही कर ली कि जो मर्जी कॉल करो चलो मेरे नाल चलो सैमीनार अटेंड करो वाई क्यों ताकि बच्चा उस तरह ग्रो अप हो गए कि यू बिकम वेरी प्रोफेसनल पीपल ठीक है अदरवाइज कई टीचर्स की कई की आदत इन्हें नहीं होती फ्रीली ओपन अप होंगी ठीक है उन्होंने होंगे लैक्चर लिया चले गए मैं होंगे कि मेरा बच्चा जो मेरे तो पढ़ रहा है मैं यही चाहूँगी कि आने वाले टाइम से मेरे तो भी वधिया तरक्की करे दैट इज़ वाई बिकम टू फ्रेंडली कि चलो इस तरह करो बच्चे ए करो मेरे नाल ही चलो तुसी देखो वैन यू एक्सप्लोर समथिंग तुहाडा माइंड खुलता है क्लीयर सो वैन एवर यू आर वर्किंग इन अ टीम गैट क्लोजर टू ईच अदर टू नो ईच अदर बैटर उन्होंने ओपन अप होना गलबात करो शेयर योर आइडियाज एंड ईवन इफ यू आर डूइंग सम वर्क कोलैबोरेटली इकट्ठे होके तो की होएगा यू शेयर योर आइडियाज़ अज मैं इधरों भी आइडियाज़ मिलनगे कि आपको परसों की करना है परसों सॉरी ट्यूजडे इट इज़ नॉट कि मैं ही सारा कुछ इन्हों देना है ए करो आई नीड आइडियाज़ आई नीड सजेशंस फ्रॉम स्पेशली यंग माइंड्स अंडरस्टूड यू शुड बी देयर एज वेल नॉट टू कंट्रोल दैम बट टू एक्चुअली बी अ पार्ट ऑफ ब्रॉडनिंग योर अंडरस्टैंडिंग वही गल जी कही कंट्रोल नहीं करना पर अपनी रीजनिंग नू अपनी अंडरस्टैंडिंग नू ब्रॉडन करना व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडनिंग एक्सपैंड करना ठीक है इफ सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू टू कम ऑन अ सेमिनार यू विल गेन नॉलेज मेरे नू कुछ नहीं है मेरे वालों तो वो सेमिनार इज समथिंग मैं यह पहला आप भी कंडक्ट किए ने जिस तरह हमने जाना मैं परसों सो मेरे लिए समथिंग न्यू नहीं है तुहाडे लिए न्यू है यू विल बी गेटिंग न्यू आइडियाज तुहानू तुहाडे अगर कोई जिहड़ा बच्चा ने आने वाले टाइम से बाहर जाना है चाहे वो स्टडी वीज़ा होवे या वर्क वीज़ा होवे फॉर एग्जाम्पल ठीक है ना तो हमू न्यू चीज़ा पता लगनगे तुसी उन्होंने कुछ पूछोगे दे विल गाइड यू अंडरस्टूड दिस डजंट हैव टू बी एनीथिंग बिग और इंटेंस यू डोंट हैव टू रैफलिंग हाइकिंग और बॉलिंग अ सन सिंपल ड्रिंक ऑन टू आफ्टर वर्क विल ऑल्सो डू द ट्रिक लेट योर टीम मेंबर्स कैजुअली फेमिलियराइज विद ईच अदर एंड गेन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ अदर थिंग्स वर्क और कम्युनिकेट सो आफ्टर वर्क यू कैन ड्रिंक टूगैदर ड्रिंक का मतलब होर कुछ ना समझो चाय कॉफी भी हो सकता है ठीक है ना वो गेट समझ लिया मैडम ने क्या आफ्टर वर्क ड्रिंक नहीं जी नहीं मैडम तो पहला ही मैं भजा है मेरे पता नहीं की खिला दे सो आफ्टर वर्क अगर असी कोई मीटिंग रखी है असी टी अरेंज कर सकते हैं कॉफ़ी अरेंज कर सकते हैं ठीक है ना कि हाँ भाई वी ऑल हैव टी टूगैदर एंड डिस्कस अवर अपकमिंग इवेंट ठीक है ना एंड गेटिंग न्यू आइडियाज़ यू विल बी शेयरिंग आइडियाज़ विद ईच अदर This will help them a lot when they come back to their work activities. Remember, teamwork only exists when people are able to smoothly and spontaneously understand each other and work as one organism instead of functioning as a scattered bunch of individuals struggling to predict each other's intentions. This is a very important point, very important lines. So, hati full lifetime da nichod na nithe dasya ki whenever you are working, and a way you are not scattered around. है कोई होर काम करा है कोई होर काम करी नो यू शुड वर्क कोलैबोरेटली एज अ टीम एवरीबडी शुड हैव देयर ओन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ बंच बंच में पहला जिससे जिसका खुला ना गुलदस्ता एज अ बंच ऑफ वर्कर्स वर्किंग टुगेदर एज अ टीम वर्क कोलैबोरेटली इकट्ठे ना कि स्कैटर्ड अराउंड कि यह कुछ होर करे कुछ होर इवेंट होवे एवरीबडी इज पजल्ड जेडे आन बाहर तो इवेंट लैन वो समझ रहे ना तो आपू आपस च नहीं तालमेल है सानू की ऑर्गेनाइज करांगे
than doing all that. So you should be like this, ki other people who come to your organization, they should get positive vibes. Clear? For this, they have to get to know each other as living human beings with a dream, fear, hobbies, ambition. They will have to overcome perceiving one another merely as job positions. And ho be ki bas sirf aapka job positions lo ke her name is Ugesh, her name is Shalini, she is head operations, she is tusi kis poste as a teaching faculty or whatever. Theek hai, enna hi nahi hona chahiye. We should know each other better. Hobbies ki ne hun tak nahi mainu pata, aaj pata lagne diya. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਈਚ ਅਦਰ ਇਨ ਅ ਬੈਟਰ ਵੇ. ਹੋਬੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ. ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੋਬੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਵੈਨ ਇਜ਼ ਹਰ ਬਰਥਡੇ, ਵੈਨ ਆਰ ਵਾਟ ਆਰ ਹਰ ਲਾਈਕਸ ਐਂਡ ਡਿਸਲਾਈਕਸ. ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਈਚ ਅਦਰ ਬੈਟਰ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਸਡਨਲੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਮੈਡਮ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕੇਕ ਲੈ ਕੇ. ਉਹ ਕਾਜਲ ਸੀਗੀ, ਫਿਊਚਰ ਸਿੰਗਰ, ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੇਮ ਹੀਅਰ, ਕਾਲਡ ਮੀ, ਮੈਮ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਰਗਰ ਬਾਅਦ. ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੇਕ ਔਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ, ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਗਿਵ ਦ ਪਾਰਟੀ. ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਮੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ. ਵਾਈ ਵਾਈ ਡੂ ਆਈ ਓਪਨ ਅਪ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਸੋ ਦੈਟ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਬੀ ਫਰੀ ਟੂ ਕਾਲ ਮੀ ਕਿ ਹਾਂ ਘਬਰਾਏ ਨਾ. ਨਾਓ ਸੀਕ ਫੀਡਬੈਕ ਟੂ ਇੰਪਰੂਵ ਐਨੀ ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਲਾਈਫ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੈਟਰ. ਬੀਇੰਗ ਜੈਨੂਨਲੀ ਓਪਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਟੂ ਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬੈਰੀਅਰਸ ਇਨ ਦ ਵਰਕ ਪਲੇਸ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਲਚਰਲ ਕਮਿਊਨੀ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ, ਮੋਸਟਲੀ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਸੇਮ ਕਲਚਰ, ਮੈਂ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਓਨਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਵਰੀਬਡੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਟ ਵੈਨ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਮਸ ਟੂ ਕਲਚਰ, ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕਡ ਐਸ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ, ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਫਾਲਟ, ਕਲਚਰਲੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ. Simply put, talk to people, ask your employees for open up feedback as they feel threatened or misunderstood, or even if they feel they can't figure out someone's ideas, action, behavior. Haan, you can find out. For example, kalnu edi te rohini di ladai ho jaye, don't take it personally, main aise keh rahi hu, eh dono ji hai maar rahi put rahi hai, rohini wwf bani hui hai, tune mujhe ye kaha, tune mujhe wo kaha, mere warga chudana hai, mainu keh acha appa dono baad ch pehle madam de char laegi. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੜ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟ ਦੇਣ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੈਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ. ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ. ਅੱਜ ਦੇਵਾਂਗੀ ਡਿਊਟੀ ਸਕਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾਂਗੀ, ਲੈਠਾ ਦੋ ਰੋਹਿਣੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਆਪ ਤੋਂ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਆਪ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀ. ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਤਾ ਰਹਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵੈਨ ਸਮਟਾਈਮਸ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ, ਇਟ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਕੇਅਰਲੈਸ ਔਰ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਇਟ ਹੈਪਨਸ, ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਪਲੇਸ, ਈਵਨ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ ਅ ਸ਼ੋਪ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਪ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇ ਉਹ ਵਰਕ ਫਰੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਬਟ ਨੋ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਵਰਕਿੰਗ. ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਸ਼ੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਦ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹਾਰਡਵਰਕ. ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਪਲੋਈ ਦਾ ਹਾਰਡਵਰਕ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਇੰਪਲੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਸੰਬੜੀ ਹੂ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਟਰਾਈ ਆਸਕਿੰਗ ਯੋਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਅਬਾਊਟ this is an informal way, don't act like they are guilty of something and make it clear they won't get anyone in trouble to talk to. Kadi bhi is tarah suppose karo kise to koi galti ho jaye, mai to koi galti ho jaye, hundiyan ne bahut sari galti, theek hai, par sir di habit hai ki mainu dassan ke ethe hai mistakes, is tarah correct karo. Kadi bhi apne employee nu de utte chillana mat, sir di habit nahi hai. ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੈਬਿਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਨੈਵਰ, ਆਈ ਵਿਲ ਮੇਕ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੀਏ. ਵਾਈ?
एक तो यह गल हैगी कि इंपलॉयर इंपलॉयज मिल जाते हैं देर बाद, पर इंपलॉई नू काम की कोई घाट नहीं होती, ठीक है ना। सपोज आई शाउट एट हर, यह ठीक नहीं, उन्हें कहना तुरदी बन, मैंने होर जगह बतेरी जगह ऑफर आती। इट हैपन्स, इट इज अ फैक्ट। सो इंपलॉई एंड इंपलॉयर दे शुड हैव सच अ कम्युनिकेशन, गुड अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होना चाहिए, सो दैट वर्क स्मूथली रन करे। यू शुड नैवर बी बॉसी, उन्होंने कंट्रोल ना करो, तो सब तो वड्डी गल है उन्होंने एक नाल एक हैप्पी एटमोसफियर क्रिएट करो, ठीक है। शो दैट यू आर देयर टू हैल्प दैम एंड गिव द टीम अ हैप्पीयर एंड मोर एफिशिएंट। वही गल जी मैं कह रही थी, गिव दैम एक हैप्पी एटमोसफियर, उन्होंने इस तरह शो करो कि आई एम देयर टू हैल्प यू आउट। मैनू पुछो मैं तो मैनू अपनी भी आइडियाज दो तो मैं तो पुछो, सो दैट साडा वर्क कल्चर वधिया तरीके नाल चले। These misunderstandings are often tribal and they can easily solve and identify. It's just important to detect them and address them timely and properly. Eh problem solve ho sakdi hai inanu, agar suppose to itthe koi problem hegi hai work culture ch, timely unanu solve kis tarah karange, pehla unnu identify karo ki itthe hai problem, phir unnu solve karan di koshish karo, so that work efficiency kharab na hove. Next is use simpler and more accurate language. Simple language use karo, don't make it complicated, don't use phrasal verbs while talking to your employees. Sometimes overcoming cultural communication barrier is about smart and careful people management and building trust between your employees and yourself, and sometimes it's simply being direct and using clear, straightforward and factual language. What do you mean by factual language? Jede facts nu डिस्क्राइब कर, वट एवर फैक्ट्स, सपोज यू आर वी आर वर्किंग हीयर, तो साढ़े फैक्ट्स की ने इतने के स्टूडेंट एडमिशन ऑल दैट, ठीक है, वर्किंग इन टीम, चाहे आयल्स डिपार्टमेंट हो, चाहे कंप्यूटर हो, अकाउंट्स बेसिक, दीज आर फैक्ट्स, ठीक है। वो अलावा हाउ यू आर कम्युनिकेटिंग इन योर टीम, हाउ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर वर्क, ठीक है। सपोज जिस तरह हूँ उत्थे अमित सर भी काम करते हैं, ही हैज़ गॉट अ डिफरेंट टीम, समबडी इज़ वर्किंग, उन्होंने काम अलग है, बट अगर कोलैबोरेटली ऐसी कोई काम करना है, सो वी ऑल विल बी वर्किंग टुगेदर। हाउ एवर यूजिंग स्लैंग एंड नॉन वर्क एनवायरनमेंट कैन एक्चुअली इंप्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज इन अ लॉन्ग रन। गेटिंग यूज टू अदर्स यूज ऑफ लैंग्वेज इन सर्टन फ्रेजेस कैन हेल्प पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर। सो परफेक्टली ओके इफ एडवाइजेबल फॉर योर वर्कर्स टू यूज अ बिट ऑफ जार्गन ड्यूरिंग लंच एंड कॉफी ब्रेक्स। येस ऑफकोर्स, जो थोड़ी लंच ब्रेक होंगी, चाह पी रहे होंगे, यू कैन यूज योर स्लैंग लैंगुएज जार्गन्स। वॉट डू मीन बाय दैट, पहला भी दसिया सीगा स्लैंग लैंगुएज ए ओ एंड पता नहीं की कुछ बोल लेंगे आपस, तो जार्गन्स, जार्गन मीनस किसी का की नाम रखे है, तुम होंगे ही है, पीपल की पीच अदरस नेम रखे होना, सुख ने भी किसी का नाम, ठीक है ना। सो यू कैन यूज जार्गन्स वैन यू आर हैविंग योर लंच और टी ब्रेक, ना कि सामने स्टूडेंट बैठे हैं तो जो मर्जी नाम ले लो, इट्स नॉट दैट। Whenever you are having your free time, जिस तरह मर्जी तुसी आपस च गल करो team members. But when it comes to work-related issues, they should be probably keep this to a minimum. Using accurate functional language is very important, particularly in culturally diverse works. Don't say soon, say in 2 hours. Avoid using descriptive language when communicating what you expect from an employee. Instead of use numbers, metric, date whenever possible. This is the way you. This way you leave less room for any kind of misinterpretation. इहदा की मतलब है, leave less room दा इत्थे मतलब है नहीं कमरा कट करना, नो, इट मीनस कि असी किसी की अंडरस्टैंडिंग नू पूरा कंप्लीट किया है, उहदे दिमाग च खाली जगह नहीं छड्डी है, ठीक है। सो वैन यू आर कम्युनिकेटिंग इन योर वर्क कल्चर, बी वेरी क्लीयर वट यू वॉन्ट टू से एंड वट यू डोंट वॉन्ट टू से। ए ना हो कि दिमाग से खाली जगह, अच्छा मैं तो यह पूछना समझ नहीं आई कोई नहीं बात च, ओ दैट विल बी लिविंग अ एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी रूम फॉर इन द हैड, इन द ब्रेन। सो इट शुड बी, एवरीथिंग शुड बी क्लीयर, मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। नाउ यूटिलाइज विजुअल मैथड्स, वह की होंगे ग्राफ, चार्ट, डायग्राम्स। वैन एवर यू आर explaining something, humans are highly visual creatures. When I just confirmed by both studies of human evolution and study language, this is not a cultural specific fact. That is why it can be very helpful in overcoming obstacle communication.
हाँ व्हेनेवर वी आर डिस्क्राइबिंग समथिंग कई बार ये पिक्चर्स ग्राफ चार्ट्स भी यूज करते हो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर टीम टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इट इज़ अ लॉट मोर डिफिकल्ट मिसअंडरस्टूड विजुअल लैंग्वेज दैट इज वर्बल एक्सप्रेशन दिस इज द विजुअल लैंग्वेज टू कंक्रीट एक्यूरेट ग्राफ्स चार्ट डायग्राम आर यूनिवर्सल एंड इजी अंडरस्टैंडेबल यू शुड डेफिनेटली यूज दैम इन फॉर योर एडवांटेज ऑफकोर्स इट शुड बी यूज एज योर एडवांटेज नॉट एज अ डिसएडवांटेज वेन एवर यू आर यूजिंग दोज थिंग्स यू विल बी एडवांटेज्ड एक ते इट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल इट विल नॉट बी बोरिंग एंड स्पेशली यू विल बी यूजिंग दोज पिक्चर्स दूसरा पर्सन को तो माइंड क्लियर हो जाएगा कि ग्राफ रेशियो इतने जा रहे हैं इतने नहीं जा रहे हैं हाउ वी आर अपकमिंग एज अ टीम और वेयर इज द डाउनफॉल देर आर मेनी वेज टू एक्सप्लेन और डिस्क्राइब अ चार्ट बट एसेंशियली ओनली वन टू रिप्रेजेंट अ ग्राफिकली सो ट्राई इनकरेजिंग द यूज ऑफ विजुअल एड्स वेन एवर पॉसिबल सिंस इट इज अ ग्रेट फाउंडेशन फॉर एक्सप्लेनिंग कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड मेकिंग इंपॉर्टेंट बिजनेस पॉइंट्स इन योर बिजनेस ट्रांजेक्शंस ऑल्सो ट्राई टू यूज दीज टाइप ऑफ थिंग्स What will happen when you use these type of things? It will be more easily understandable. Stay composed in unpleasant situation. What do you mean by composed? Suppose आज मैंने किसी चीज़ का गुस्सा है, मेरा mood ठीक नहीं है. Still I am calm and composed. बिल्कुल ठीक behavior करना. अपनी frustration, गुस्सा कभी भी अपने employees से ना कड़ो. या जरा ग्राहक तो हड्डी दुकान पे आंदा, वो तो ना कड़ो. वट विल हैपन इंप्लॉय भी भजेगा तो ग्राहक तो नच भी दूसरी दुकान लभ ही ले बिकॉज यू आर नॉट सैलिंग द ओनली प्रोडक्ट ऑन द प्लैनेट तो वर्गी कॉम्पीटिटर सौ बैठे हैं संबड़ी हैज़ अ शॉप तुम किराना शॉप है अगर तुम कोई समान बेच रहे हो ना वही समान 200 दुकाना होर बेच रहे हैं ठीक है योर बिहेवियर ही हैगा जो कस्टमर दोबारा आएगा इफ यू एक्ट रूडली द कस्टमर विल फाइंड 20 मोर शॉप्स and will recommend to his friends never go to that person's shop tusi ek de na do vi customer ho kharab kar dete same way if you are working in a team and if a boss shouts at you you will find 20 more bosses theek hai tade warga nahi milna par boss bhi ho milte so it is important to remember that even if everything is right you can't control everything communication gap will occasionally same thing it is repeated no matter how hard you try to prevent them कल्चरल बैरियर्स हैव अ लॉट टू डू विद हाउ पीपल वर रेज एंड वो ही गल जी मैं थोड़ा बार बार कहनी है कल्चरल आइडियाज हाउ पीपल वर रेज उन्हें ब्रिंगिंग अप कहो जी सी वो हम सारी जिंदगी वो कम से भी रिफ्लैक्ट करेगा द वे द परसन लुक्स लुक्स से भी रिफ्लैक्ट करता है एंड वे द परसन टॉक्स इट इज हाउ दैट परसन हैज बीन रेज अप वो परवरिश किमें हुई वट आइडियाज वर इम्प्रिंटेड फ्रॉम दैम फ्रॉम द वेरी अर्ली एज अ कपल ऑफ कन्वर्सेशन विद कल्चरल अवेयरनेस ट्रेनिंग सेशन आंट गुड इनफ टू टू सॉल्व कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग फॉर गुड ठीक है इट मीनस कि वो गलबात आइडियाज़ नाल हाउ दैट परसन डिपेक्ट्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ तो हानू आइडिया लग जाता है वो कल्चरल ब्रिंगिंग अप कहो जी सी यू माइट फील दैट परसन इज ऑड बिकॉज यू आर डिफरेंट बट दैट परसन इज नॉट ऑड वो ब्रिंगिंग अप यह जी हुई है ठीक है वह कल्चर यहोजा है रहन सहन यहोजा वो अगर थानू ऑड फील करवाए हाउ विल यू फील सो नैवर जरा कल्चरली डिफरेंट परसन है उन्होंने ऑड फील ना करवाओ वो भी तो ऑड फील करवा सकता वो नज़र से कल्चरल भी तो फिर डिफरेंट है ना इट इज हाउ द परसन हैज़ बीन रेज द कम तो उन्हें हम 20-21 साल की उम्र से शुरू किया पैदा होंगे तो माहौल कुछ होर से ना एक छोटा जा पौधा है वो जिड़ी मिट्टी से पनपेगा बड़ा होगा पेड़ भी हो जाए बढ़ेगा फल फिर हो जाएगा नुकसान में मिलेगा सेम वे इज एज अ परसन हाउ द परसन हैज़ बीन रेज द It is entirely cultural difference from you all. You are raised up in a different family. She has been raised up in a different family. He has been raised up in a different family. If you are working together naturally, tohadi upbringing, tohade mannerism reflect karan in the way you talk. From the very beginning, I have learnt always be calm and composed. Jinna marzi pichho gussa chadeya hove jo marzi, I never show it in my behavior. Sometimes the situation is even lasted out of the proportion. It may get quite uncomfortable. Naturally, you should do everything to anticipate this and react before it happens. It's much easier to talk sense into people before exploration. But sometimes you just won't have any control over. कई बारी हो जाता है गुस्सा आंदा भी है किसी से पर्सन पे.
आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जान रही है, बट ट्राई टू बी काम एंड कंपोज. जब तो गुस्सा आए की कर दो, चुप रहना चाहिए. अगर चुप ना रह जाए, ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ. लंबी सांस लो, थोड़ा जा पानी पियो, 10 तक गिनती करो, अखा बंद करके लंबी लंबी सांस लेके थोड़ा गुस्सा खत्म हो जाए. करके देखियो, ये मेथड अपनाओ. मैनू अज भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हैगा किसी गल का, कल भी सीगा, बट आई नैवर शो माई एंगर. इफ आई स्टार्ट शोइंग माई एंगर तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कईयां लई, बट आई नैवर डू इट. आई एम ऑलवेज काम कंपोज, ऑलवेज चू अप माई एंगर. मैं अपना गुस्सा खा जाती खत्म कर देंगे. कड्डन दिल से बहुत करता है पर नहीं कर. ट्राई टू सॉल्व थिंग्स विद कॉन्वर्सेशन व्हेनेवर पॉसिबल. समटाइम्स व्हाट इट सीम्स लाइक अ बैड ब्लड इज ओनली टेम्पररी कम्युनिकेशन ब्रेक डाउन कंबाइंड विद इम्पल्सिव टेम्परमेंट. हाउएवर इफ इट हैपन्स टाइम एंड टाइम, यू मे नॉट बी इन अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन एट ऑल. एंड समटाइम्स, जस्ट समटाइम्स, यू नीड टू क्वेश्चन समवन्स बेवलेंस एंड थिंक अबाउट वेदर दिस पर्सन बिलोंग्स टू अ कंपनी. हाँ, कई बार होंगे तुम तो काम से कंपोज हैगी हो, तुम तो अपना मैनरिज्म कंट्रोल किया, वो अगलों बोली जाए, वो अगलों थोड़े नाल रिपल्सिव बिहेवियर, वो अपना शो करे, वो अपना एंगर शो करे, फिर अपने दिमाग से सोचो वह थोड़ी कंपनी के लायक है भी कि नहीं. एवं तो नहीं मैं अपने अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, एस लायक नहीं है तो मैं इन पूरे गुड मैनर्स दिखा रही हूँ. सोच लो, समझ लो, दैन मूव फॉरवर्ड. नाउ व्हाट इज कल्चर? बार बार वही चीज़ आ रही है, क्रॉस कल्चरल बैरियर्स. मीनिंग ऑफ क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट क्रॉस कल्चरल. पहली चीज़ आती है लैंग्वेज, दूसरी आती है वैल्यूज. लैंग्वेज की भाषा, वैल्यूज अपब्रिंगिंग, की उन्हें सीखा है, की वो मॉरल्स ने, की वो बिलीव्स ने. सोशल रिलेशन कहो जाए, ठीक है. कंसैप्ट ऑफ टाइम, टाइम के नाल पर्सन किस तरह इन्वॉल्व हो रहा है. इफ यू आर वर्किंग विद समबड़ी, एक दिन दो दिन च नहीं, हौली हौली पता लगता है परसन कहो जाए. सेम वे इफ यू आर जिस तरह तुम पढ़ रहे हो इतने योर क्लासमेट्स, हौली हौली टाइम बतीत करके. पहले दिन तो किसी का नहीं पता लगता, पहले दिन तो एवरीबडी ट्राइज टू शो देयर बेस्ट, बट एज यू मूव फॉरवर्ड विद देम, रोज़ रोज़ जब उन्होंने मिलो तब वो असली कलर्स बाहर आ, अच्छे या बुरे. अच्छ पूरा दिन मेरे नाल बिताना पता लगता है, रोहिणी दे पता लगते ही रहते हैं. डिफरेंट क्रॉस कल्चर, कंसैप्ट ऑफ स्पेस, जेस्चर्स कहो जो थोड़े बॉडी लैंग्वेज मूवमेंट, वही चीज़ा रिपीट हो जाए पूरे चैप्टर. ऑर्गनाइजेशनल बैरियर्स, ठीक है, ठीक है. होना है की है, लॉट्स ऑफ डिस्टिंक्टेड मैसेजेस दैट पास आउट फ्रॉम वन लेवल, एक लेवल तो दूसरे, कई बार मैसेजेस करेक्ट ना आ जाना, ठीक है. और अलावा फियरिंग इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग, सेम चीज़ा रिपीट हो जाए, इन्फॉर्मेशन मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए या मिसकनसैप्शन हो जाए. और अलावा मैसेजेस नॉट रेड कंप्लीटली एंड अंडरस्टूड, तो आनू मैसेज आवे योर क्लास विल बी, अच्छा अच्छा यदा मतलब कल क्लास पूरा मैसेज पढ़े ही नहीं, अपने आप कंक्लूजन, फर्स्ट रीड एवरीथिंग. डिलिबरेट विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीयर्स टू प्रसीव्ड एज राइवल्स. राइवल मतलब दुश्मन जी हो जाए, ठीक है. जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हैं, पीयर ग्रुप हैगा, चाहे क्लास फेलोज हो या काम कर रहे हो, पीयर प्रेशर, सेम वे सेम लेवल. कई बार राइवल रही, अच्छा तू इस तरह, तू इन्ना क्लोज हो गया उन्होंने मैडम दे, तू इन्नी क्लोज हो गई, अच्छा मैनू मैसेज नहीं मिले, आप सारे नू मिल गया, मैनू दस्या नहीं, हमने मैं कल जाके यह करूँ, मैं वो करूँ, यहोजे होंगे ना कई बार. इन्फॉर्मेशन गैप अफेयर लेवल डज नॉट नो द ट्रू स्टेट ऑफ अफेयर्स. कई बार तो हमें पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, अपने वालों ही समझ लेंगे, वो नहीं होना चाहिए. लैक ऑफ कम्युनिकेट, वही चीज़ है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, अथोराइजेशन, एटीट्यूड एंड मैनेजमेंट. एटीट्यूड का, एटीट्यूड एंड मैनेजमेंट कहोजा थोड़ा एटीट्यूड हैगा थोड़े नाल, मैनेजमेंट नाल या उन्हां दा थोड़े नाल, ते अपने एंगर इशूज़ नूं किवें सॉल्व कर दे. पुअरली डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिसपोंसिबिलिटी, तुहानू रिसपोंसिबिलिटी मिली है, कोई अथॉरिटी मिली है, पर उहदे विच तुसीं चंगी तरह काम ना करो. तो टू मैनी लैवल्स ऑफ ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कई बार होंगे आप किसी कंपनी से कम कर रहे हैं पर साढ़े बॉस चार पाँच ने, एक बॉस नहीं है, यदि भी सुनो, वो भी सुनो, वो भी, अगर
चार पांच बॉसों के लिए काम करेगी, शी बी कंफ्यूज्ड. इनफ्लुएंट कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, कई बार होंगे इनसफिशियंट कम्युनिकेशन ट्रेनिंग मिली, तो कम देता है थोड़ी ड्यूटी पर पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं कितों करेगी कि यू हैव टू क्लीयरली मेक दैट परसन अवेयर कि थोड़ी तुसी थोड़ी ड्यूटीज की है तो की करना है. हुन ओवरकम किस तरह करना है, इंडिविजुअल स्किल, स्किल अपने इंप्रूव करना है, एक्टिव लिसनिंग, केयरफुली सुनो की किया गया है फिर उन्होंने इंप्लीमेंट करो, सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट चैनल फॉर द मैसेज. एक परसन जिस तरह मैं कर दिया एक चैनल बनाया होता कि इन्हों मैसेज देना नैचुरली सब तक पहुँच जाएगा, एक अप्रोप्रिएट ट्रस्टवर्दी चैनल होना चाहिए कि इन्हों देता हम बस आप रिलैक्स हो जाइए कर लेगा. मेक स्पेशल एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड ईच अदरस प्रोस्पेक्टिव, एक दूसरे की प्रोस्पेक्टिव वे ऑफ टेलिंग वो की व्यू पॉइंट्स ने प्रोस्पेक्टिव उन्होंने भी समझो अपनी ना चलाई जाओ वो भी समझो की कह रहे हो. मैनेजर्स शुड प्रैक्टिस ऑल दीज पॉइंट्स, मैनेजर्स सब कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए. ओवरकम किस तरह करना है, ऑर्गनाइजेशनल एक्चुअल क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ ट्रस्ट एंड ओपननेस, ऑफकोर्स ट्रस्ट होना चाहिए थोड़ा एक दूसरे के नाल, ओपननेस होनी चाहिए. डिवेलप एंड यूज फॉर्मल इनफॉर्मेशन चैनल इन ऑल डायरेक्शन, कोई यह चैनल बनाया हो जिनमें तुम्हें पता हो थ्रू सब जगह कम हो जाए प्रॉपर तो ट्रस्टवर्दी. इनकरेज द यूज ऑफ मल्टीपल चैनल्स इंक्लूडिंग फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, पूरा इनकरेज करो कि किस तरह असं फॉर्मल तो इनफॉर्मल ट्रेनिंग्स करनी है, अपने चैनल्स किस तरह होने चाहिए, हाउ वी हैव टू मेनटेन अवर वर्क कल्चर. द ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर शुड फिट कम्युनिकेशन नीड्स, हाँ बिल्कुल जरूरी है, जोड़ा भी ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो पूरी कम्युनिकेशन नीड्स फुलफिल होनी चाहिए. ये नहीं कि छोटी जी इन्फॉर्मेशन देती बाकी इतने छड़ता, सारा इन्फॉर्म करो हाउ यू विल डू इट, वट यू विल डू इट, वट आर योर रोल्स, वट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड हाउ यू विल मैनेज टू डू ऑल दैट टाइप ऑफ वर्क. क्रॉस कल्चरल बैरियर्स, सेम चीज है, वट आर कल्चरल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. फर्स्ट पोटेंशियल प्रॉब्लम इज यूजली कम्स टू माइंड एंड द लैंग्वेज बैरियर, सेम चीज़ें रिपीट हो रही है पूरे चैप्टर, लैंग्वेज बैरियर्स, दैन हाउ यू हैव टू ओवरकम इट. तो तुसी इको चीज़ बनाओ, इको योजा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या लैंग्वेज हो जो तो सारे कम्युनिकेट ईजीली कर सको. सो योर सिलेबस इज ओवर.